हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना सीखेंगे। इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, हम आपको बहुत ही आसान स्टेप में बताएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम काइंड मास्टर एप्लीकेशन ओपन करेंगे। हम अपने काइंड मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर चुके हैं। इसके बाद हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और नो सोलो लाइसेंस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिटिंग पर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, फिल स्क्रीन पर क्लिक कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी फोटो हम काइंड मास्टर में एड करेंगे सारे फोटो का साइज ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। हमें किसी भी तरह का फोटो का साइज नहीं सेट करना पड़ेगा। इसके बाद फिर हम मीडिया पर क्लिक करेंगे और अपना कुछ फोटो सेलेक्ट करेंगे जिस फोटो से हमें स्टेटस क्रिएट करना है। तो चलिए हम कुछ फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और अपने दो फोटो के बीच ट्रांजेक्शन ट्रैक लगाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, डायनेमिक फ्लैश वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास इफेक्ट नहीं है तो आप गेट मोर पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम पहले नंबर वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसकी टाइमिंग को हम 1 सेकंड कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, फिर हम यहाँ भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगाएंगे। इसके लिए फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, डायनेमिक फ्लैश वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम पहले नंबर वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसकी भी टाइमिंग 1 सेकंड कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह हम सारे फोटो को भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, हम सारे फोटो पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड कर लिए। इसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और अपने पहले नंबर वाले फोटो को सेलेक्ट करेंगे और इसकी टाइमिंग को हम कम कर लेंगे। इसकी टाइमिंग को 2 से 3 सेकंड कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, फिर अपने दूसरे नंबर वाले फोटो को सेलेक्ट करेंगे। इसकी भी टाइमिंग हम कम कर लेंगे। इसकी भी टाइमिंग 2 से 3 सेकंड कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इस तरह हम सारे फोटो का टाइमिंग कम कर लेंगे। तो दोस्तों, हम सारे फोटो का टाइमिंग कम कर चुके हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, फिर हम शेयर वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। हमारा वीडियो सेव हो रहा है, हम कुछ देर वेट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो सेव हो चुका है। इसके बाद हम बैक जाएंगे और फिर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, 9:16 वाला साइज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम मीडिया पर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और ब्लैक पेज सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इस पेज को सेलेक्ट करेंगे, इसको 10 से 15 सेकंड तक बढ़ा देंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे, लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो लाएंगे। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्त, हमारा वीडियो इसको सेलेक्ट किए, काइंड मास्टर मेड हो चुका। इसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, क्रोमा की पर क्लिक करेंगे, इसको इनेबल कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, फिर हम लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और जो वीडियो सेव किए उस वीडियो को लाएंगे। तो दोस्त, हमारा वीडियो इसको सेलेक्ट किए, काइंड मास्टर मेड हो चुका। इसको थोड़ा छोटा करेंगे और फिर इसको इस तरह करके रोटेट करेंगे। फिर इसको यहाँ पे लाएंगे, फिर हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक पर क्लिक कर लेंगे। फिर इसको इसमें अच्छे से एडजस्ट करके फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और एक PNG इमेज लाएंगे। इस इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस इमेज को हम सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्त, हमारा इमेज इसको सेलेक्ट किए, काइंड मास्टर मेड हो चुका। इसको थोड़ा छोटा करेंगे और इसको यहाँ पर लाएंगे। फिर हम ओवरऑल एनिमेशन पर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, ड्रिफ्टिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, फिर इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, इसको जहाँ तक बैकग्राउंड है वहाँ तक इसको बढ़ा देंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे, लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो लाएंगे। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्त, हमारा वीडियो इसको सेलेक्ट किए, काइंड मास्टर मेड हो चुका। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और इसको यहाँ पर लाएंगे। फिर हम नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग में क्लिक करेंगे और स्क्रीन पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और एक लाइट का PNG इमेज लाएंगे। इस इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस इमेज को हम सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्त, हमारा इमेज इसको सेलेक्ट किए, काइंड मास्टर मेड हो चुका। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग में क्लिक करेंगे और स्क्रीन पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पे इसको रख लेंगे। फिर इसको जहाँ तक बैकग्राउंड है वहाँ तक इसको बढ़ा देंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमारा वीडियो बनकर तैयार हो गया। तो चलिए एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि हमारा वीडियो देखने में कैसा है। तो चलिए इसको प्ले करते हैं। तो दोस्त, हमारा वीडियो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम लास्ट में चले आएंगे और जो भी मटेरियल हमारा बैकग्राउंड से बाहर है इसको काट घटा लेंगे। तो दोस्तों, अगर इसे हमें सेव करना, हम शेयर वाले बटन पर क्लिक करेंगे और अपना क्वालिटी सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे, हमारा वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।